हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम कूलर की मोटर के बुश और शाफ्ट अकेले अपनी दुकान पे किसी बिना किसी दूसरे आदमी की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कूलर की मोटर को इस प्रकार खोल लेना है हमें, और इसके दोनों कवर हटा करके और किसी नुकीली वस्तु से, जैसे हमारे पास ये पेचकस का हमने नुकीला एक औजार बनाया है, इससे हमने जो रिपट हैं इसके 6 रिपट हैं निकाल लेने हैं। कुछ आपको ग्राइंडर करने की रिपट को ग्राइंडर से काटने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे रिपट आपके लोहे के हों चाहे ये एल्युमिनियम के हों, इसी नुकीली वस्तु से ये निकल जाएंगे हथौड़ी की मदद से। और उसके बाद में ये जो स्प्रिंग निकलेगा इसमें से और एक ये रुई निकलेगी, इसको आपको अच्छी तरह इसे निकाल करके रख देना है। और ये जो हमारा बुश निकलेगा ये किसी काम का नहीं है। इसी तरह बैक और टॉप दोनों कवर के बुश हैं जो निकाल लेने हैं। और उसके बाद में हमने जो मोटरसाइकिल के इंजन में ऑयल डालते हैं हम लाल कलर का मोबिल, उसमें हमने बुश रखे हुए हैं, जिससे कि बुश की लाइफ है जो दुगनी हो जाती है, और इस मोटर में हमें लगा देने हैं। और जो रुई है उसे भी हमने तेल में अच्छी तरह भगो लेना है, ताकि इसमें जो तेल है वो धीरे धीरे बुश में मिलता रहे। और अब हमें जो स्विच बोर्ड हम लगाते हैं बोर्ड में, पुराने बोर्ड में हम स्विच लगाते तो उसके साथ स्विच के साथ दो छोटे छोटे पेच आते थे, नट से आते थे छोटे छोटे, ये देखिए, इसकी मदद से हमने स्प्रिंग, ये जो हम पत्ती लगाए हैं ना, इसकी मदद से हमने दो नट लगा के इसे कस लेना है, जिससे कि बाद में हमें जब रिपट लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये उठेगी नहीं। इससे दो नट लगा करके आप इसे कस लोगे तो उसके बाद में आपको 4 जो रिपट हैं वो अच्छी तरह लग जाएंगे। उसके बाद में आप ये दो नट खोल करके उस जगह पे भी फिर रिपट लगा सकते हो। इस प्रकार करने से हमारी जो एक आदमी ही इसमें है जो बुश डाल सकता है, नहीं तो एक आदमी इसे पकड़ के रखेगा। तो इस प्रकार हमने इसमें ये ट्रिक है जो यूज करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बिना किसी दूसरे आदमी की हेल्प के अकेले ही इस कूलर की मोटर में है जो बुश है जो लगा सकते हो। तो अब हम इसकी शाफ्ट लगाएंगे। तो शाफ्ट लगाने से पहले तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये शाफ्ट है जो इस प्रकार निकलेगी, यहाँ से चोट देंगे और पीछे की तरफ निकलेगी, हमेशा शाफ्ट आगे से पीछे की तरफ निकलेगी। और अब हम इसे जो ये लकड़ी में हमने छेदा किया इसमें उल्टा लगा करके लकड़ी से ही चोट देंगे, और धीरे धीरे इसको चोट दे करके हैं जो लकड़ी से निकालेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी शाफ्ट है जो निकल चुकी है। अब हमने इसमें इसी प्रकार जिस तरफ हमारी शाफ्ट निकली है उसी प्रकार से शाफ्ट उसी तरफ से डाल करके हमने इसमें लकड़ी से उसी प्रकार इसे ठोक देना है। और जब हम शाफ्ट निकालते हैं तो पहले हमने देख लेना है कि पीछे की तरफ ये कितने इंच बाहर है, उतने इंच हमने इसे बाहर छोड़ देना है। और ये देखिए इसमें वाशर वगैरह है जो
आप इसमें देख करके लगा लो। उसके बाद में हम इसे जो इसका कवर है उसमें फिट करेंगे, और फिट करने के बाद में अच्छी तरह इसमें थोड़ी सी दोस्तों प्ले होनी चाहिए, बिल्कुल एक सूत की प्ले होनी चाहिए। और उसके बाद में इसके चारों नट हैं जो हमने मोटर के लगा देने हैं। और अब हम इस मोटर को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए जो मोटर का कॉमन वायर रहता है वो नीले कलर का तार मेन रहता है, एक तार आपको नीले कलर का लगाना है, बाकी आप लाल, काला और सफ़ेद कलर के तार में से कोई भी एक तार है जो बोर्ड में लगा लो, और एक तार नीला लगाना ही लगाना है। नीला तार अगर आप नहीं लगाओगे और दूसरे कलर लगा दिए तो मोटर जल जाएगी। तो एक नीला और हमने एक काला लगाया, तो देखिए मोटर कितनी अच्छी है जो वर्क कर रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।